दोस्तों मैं खड़ा हूँ कानपुर के कुलदीप मिनी रेस्टोरेंट पर। तो भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया श्री भैया, राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। तो भैया ऐसा क्या खिला रहे हो कि पूरे कानपुर आपका दीवाना है? आखिर कम से कम जितने लोगों से हमने पूछा उन्होंने यही बताया कि बोले अगर आपको खाने का स्वाद लेना है घर जैसा तो आप कुलदीप भैया के रेस्टोरेंट पर जाना और वहाँ खाना जरूर खाना। जैसे कि आपको यहाँ कढ़ाई पनीर मिलेगा। अच्छा, ये कढ़ाई पनीर है जी। बहुत बढ़िया, और पनीर की क्वांटिटी भी इसमें काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं। और आपको अरहर की दाल है। ये अरहर की दाल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कौन सी दाल है? दाल मखानी भैया। अच्छा, दाल मखानी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं। और ये तो गुलाब जामुन मीठा आ गया, बहुत बढ़िया, मीठा ही मिलता है अपने यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये क्या है भैया? और आपका ये कोफ्ता मिलेगा आपको। अच्छा, कोफ्ता है जी। हर आप दुकान में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, मिक्स वेज सब्जियों से बना हुआ कोफ्ता। मिक्स वेज सब्जियों से बना हुआ कोफ्ता है, बहुत बढ़िया। फ्राई सब्जी। कौन सी सब्जी है? मिक्स वेज फ्राई सब्जी। अच्छा, मिक्स वेज फ्राई सब्जी जी भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इधर आ जाता हूँ मैं। ये आ गया जी कड़ी पकौड़ा, पंजाबी कड़ी पकौड़े। बहुत बढ़िया। तो एक पकौड़े के अंदर भी कुछ भरा हुआ होता है? बिल्कुल, मसाले हैं, प्याज या दाल सब कुछ। अच्छा, ये पंजाबी कड़ी है प्रॉपर? जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप ये छोले? अच्छा, ये छोले हैं, ये भी पंजाबी स्टाइल में बने हुए होंगे। तो मतलब कानपुर के अंदर पंजाबी स्टाइल खाना खिला रहे हैं आप, है ना? पंजाबी है ही है यार। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये राजमा, ये राजमा हो गया, बहुत बढ़िया। और आपका जीरा राइस। और ये आ गए खिले खिले चावल, बहुत बढ़िया। और आपकी रोटी मिलेगी यहाँ तंदूर तवे की? अच्छा, तवे की रोटी मिल जाती है जी आपको, घर जैसे आपको तवे रोटी मिलेगी। तो बिल्कुल घर जैसी बनी हुई है, बहुत बढ़िया। और भैया पराठे वगैरह भी मिलते हैं? पराठे आपके आलू के हैं, नमक के, अजवाइन के, सादे। अच्छा, तो भैया ये कार्ड लगाते लगाते आपको कितने साल हो गए? मुझे 10 साल से 11 साल हो गए। 10-11 साल से यहीं लगा रहे हो आप इसको? जी जी बिल्कुल। तो भैया अगर किसी को यहाँ पे खाने आना हो तो एड्रेस क्या होता है? तो आपका कानपुर में आपके गोविंद नगर में आप आएंगे, गुलाब राज 50 मिल बाहर के जस्ट सामने आपकी कुलदीप रेस्टोरेंट। टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग आपकी सुबह 8:30 से 5:30 तक। 8:30 से लेकर शाम को 5 बजे तक, 5:30 बजे तक। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर कभी कानपुर आ रहे हैं तो कुलदीप भैया के रेस्टोरेंट पर आकर आप इनके बेहतरीन खाने का आनंद ले सकते हैं और अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पर आप खाना चूज करके खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये देख सकते हैं, हर चॉइस अलग अलग थाली होगी, सब्जी आप जो मर्जी चॉइस कर सकते हो आप। अच्छा, 80 रुपये की थाली है अली। अच्छा, ये 80 रुपये की थाली जी, आप पनीर इसमें आपको नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल 7 सब्जियां हैं मेरे पास। अच्छा, 2 आइटम जो मर्जी आप चॉइस कर सकते हो उसमें आप। अच्छा, या इसमें आप 4 रोटी या फिर 2 रोटी राइस इसमें आप कर सकते हो। तो भैया पनीर वाली थाली कितने रुपए की होती है? पनीर थाली आपकी 100 रुपए की है, देखिए मैं लगा रहा हूँ स्पेशल थाली। अच्छा अच्छा, इसमें भी एक खासियत है। अच्छा, जैसे कि पनीर और मिक्स वेज का ऑप्शन है। अच्छा, आप मिक्स वेज का ऑप्शन नहीं चाहते हो तो बाकी 7 आइटम जो भी लिखे हुए हैं उसमें आप कोई भी चॉइस कर सकते हो। कोई भी चॉइस कर सकते हो जी। तो रायता सबके साथ मिलता है? कंपलसरी है। अच्छा, रायता कंपलसरी है जी जी। ये आपका आ गया कढ़ाई पनीर, है ना जी भैया। और आपका ये मिक्स वेज हो गया, ये आ गई जी मिक्स वेज। तो जी कुलदीप भैया के मिनी रेस्टोरेंट की थाली हमारे पास आ चुकी है जिसकी प्राइसिंग है 80 रुपये। इसमें हमको एक तो मिल जाती है दाल मखनी, ये देख सकते हैं, रंगत चेक कर सकते हैं दाल मखनी की। और दूसरा भैया ने हमें दिया है इसमें कोफ्ता, ये बता रहे थे कि काफ़ी सारी सब्जियों को मिक्स करके इस कोफ्ते को बनाया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इसकी रंगत देख सकते हैं कोफ्ते की। और साथ में हमको मिल जाता है अमूल की छाछ वाला रायता, और साथ में मिल जाती है हमको चटनी और खट्टी चटनी वाली प्याज मिल जाती है। साथ में मिल जाते हैं राइस और 2 रोटी। अगर आप राइस नहीं लेते हैं तो आपको इसमें इसके बदले 4 रोटियां मिल जाती हैं, और रोटियां बिल्कुल घर जैसी बनी हुई होती हैं। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं सबसे पहले रोटी को। जो मखनी दाल का स्वाद है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल घर जैसी दाल बनी हुई है। तो चलिए ट्राई कर लेते हैं अब कोफ्ते के साथ। एक तो सबसे बड़ी खास बात, इनकी सारी सब्जियां आपको गर्म मिलने वाली हैं। नंबर दूसरा, कोफ्ता काफ़ी अच्छा बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है। तो दोस्तों अगर कभी कानपुर आ रहे हैं या कानपुर से हैं तो एक बार इनके रेस्टोरेंट पर आकर, कुलदीप भैया के रेस्टोरेंट पर आकर जरूर ट्राई कीजिएगा इनकी थाली को। आप स्पेशल थाली लेना चाहते हैं तो आपको उसमें पनीर की सब्ज़ी मिल जाती है जो कि 120 रुपये की हो जाती है।
तो दोस्तों अगर कभी आ रहे हैं तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।